एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी वेदिका एंड वेलकम टू डेज वीडियो. सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू ईट राजमा फॉर 24 आवर्स. सो राजमा आई मीन नॉट जस्ट राजमा चावल, बट हम राजमा की डिफरेंट डिशेस ट्राई आउट करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिगनिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट आई हैड राजमा की टिक्की. एंड ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे बहुत भूख लग रही थी. सो आई डिड नॉट फिल्म अ लॉट, बट आई मेड राजमा की टिक्की और यू कैन से कबाब एंड दे टर्न्ड आउट सो गुड. उसको बनाना बहुत ईजी था. आई जस्ट गॉट सम बॉइल्ड राजमा एंड उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए और थोड़े से अनियंस ऐड करे को. ब्रेकफास्ट हियर आई मेड सम राजमा की टिक्की एंड विद दैट आई हैव गॉट नैंडोज की लेमन एंड हर्ब सॉस. सो वी कैन ट्राई दिस. दिस इज एक्चुअली नाइस. I'll be very honest, when I saw the recipe, I thought ki thodi si weird hone wali hai, kyunki rajma we are just used to having the normal simple rajma rice, right? So this is actually good and I think I'm gonna have this again some other day. This is healthy and it's really tasty. So I'm gonna eat this entire thing up and then I'll meet you at the lunch. Now it's lunch time and क्योंकि हम राजमा की वीडियो बना रहे हैं, it is not possible कि हम राजमा चावल इस वीडियो में नहीं खाएं. So for lunch we are going to have राजमा चावल. I love राजमा चावल so much. Let's have them. Rajma chawal, I love Rajma chawal. Like you cannot compare them to anything. Right? Let's eat it. So hungry. बड़ी जिसको बाहर खाना बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट, बट राजमा चावल सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर की और अपनी मम्मी के हाथ की पसंद है एंड आई लव इट. लाइक आई कैन ईट दिस फॉर 24 आवर्स, नो डाउट. आई कैन हैव दिस फॉर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर. आई गेस नॉट फॉर ब्रेकफास्ट बट फॉर लंच एंड डिनर तो आई कैन ईजिली हैव इट एंड आई डू. एंड लेट्स सी अब हम डिनर में क्या खाने वाले हैं. आई एम गोना ट्राई हमें कुछ राजमा से रिलेटेड और डिफरेंट चीज़ें मिल जाए जो कि हम स्नैक्स में खा सकें. बट या लेट्स सी. एंड हाय एवरीवन, ओके सो इट इज ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम राइट नाउ. सो आई वॉज काइंड ऑफ हंग्री. मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर अपने घर के पास जाके देखा, वहाँ पे भी कुछ राजमा से रिलेटेड मुझे कोई स्नैक्स नहीं मिले हैं. एंड या अभी मुझे कुछ और ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना हैव एन अर्ली डिनर. दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. फॉर डिनर आई हैव टू ऑप्शंस. इधर आई एम गोना हैव मैक्सिकन राइस और आई एम गोइंग टू हैव राजमा का सैंडविच. सो लेट्स सी हम कौन सा बनाते हैं. ओके सो इट इज डिनर टाइम. आई एम सो फ्रिकिंग हंग्री राइट नाउ. सो अभी डिनर में हम बनाने वाले हैं राजमा सैंडविच एंड ये बहुत ही ईजी रेसिपी होने वाली है. मैंने कहीं से रेसिपी देखी नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग आई एम मेकिंग ऑन माई ओन. एंड या लेट्स गो एंड मेक राजमा सैंडविच. कभी नहीं खाया है ये, ना मैंने किसी से रिव्यूज सुने हैं. सो आई डोंट नो ये कैसा टर्न आउट होने वाला है, बट आई होप कि ये कोई फ्लॉप ना हो. आई होप कि अच्छा टर्न आउट हो, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है. लेट्स गो एंड मेक इट. तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है इसकी. आई एम जस्ट गोना नीड सम ब्रेड. ये सालसा डिप एंड नाचोस मेरा भाई खा रहा था एंड मैंने उसे ले लिया है. थॉट कि इसको मैं ऐड कर दूंगी. एंड राजमा एंड चीज स्लाइस. Thank you.
आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत डर लग रहा है खाने में, जिसको हम कट कर लेते हैं. I don't know. Let's try it once again. Won't lie, इसका taste थोड़ा तो weird है, क्योंकि ऐसा combination मैंने पहली बार try करा है. I would say it's weird, but खाने लायक तो ऐसा नहीं है कि मैं रात को भूखी सोऊंगी. It's kind of nice. No, it's kind of weird, but it's eatable. It's not something that, but actually मैं cheese and nachos का बहुत अच्छा taste आ रहा है. So अगर मैं उसको राजमा के अलावा कभी next time I'll try making nachos, cheese and something else, तो I guess ये बहुत अच्छा लगेगा. But yeah, I think I can have it. Like it's good for, it's okay. I won't make it again. इसे मम्मी से try कराते हैं. एंड मेरी मम्मी कोई स्पेशली रेडी नहीं हुई है इस वीडियो के लिए, वो ऑलरेडी बाहर गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ. थोड़ा वियर्ड टेस्ट नहीं कर रहा, और भी कुछ चीजें हैं. ओके अब आया लड़की कुकिंग सीख गई यार. गॉड ब्लेस यू. ओके सो आई एम गोना हैव दिस for dinner now, and yeah, tab tak you go and like, share, comment and subscribe to my channel below if you enjoyed watching this video. And I do hope ki mujhe raat ko koi bhook na lage, kyunki I don't think so, mere paas kuch banane ki aur himmat hai. You can see all the sweat here. I'm gonna come up with the next video pretty soon this time. So yeah, bye.